हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। इन प्रीवियस क्लास वी स्टार्ट चैप्टर सेकंड वर्किंग इन द नोज 8 एंड टुडे वी विल कंप्लीट द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू द आंसर ऑफ दिस चैप्टर, बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर, बट बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड द बुक वर्क एंड सेंड टू मी माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि जो आप जितना आपको मिलता है उतना आप कंटेंट फाइंड करके आप मुझे बुक वर्क रिलेटेड आप मुझे सेंड करोगे। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो अपना प्रीवियस में किया था। तो दैट पॉइंट इज अ गेटिंग स्टार्टेड विद द फाइल एक्सप्लोरर। हाउ वी स्टार्टेड द फाइल एक्सप्लोर करना, फाइल को ओपन करना। अपन कैसे करते हैं फाइल एक्सप्लोरर अपनी विंडो डेस्कटॉप पे आए, उसके लिए अपने क्या 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 यूज़ करेंगे। ठीक है, टू डिस्प्ले फाइल एक्सप्लोरर यू नीड टू स्टार्ट ऑन द विंडोज 8 डेस्कटॉप अनलेस यू प्रीवियसली एडिट द फाइल एक्सप्लोरर टाइल टू योर स्टार्ट स्क्रीन। बट फाइल एक्सप्लोरर क्या है, जैसे कि आप लोग माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हो लोकल डिस्क सी या डी, उसके अंदर जब फाइल को ओपन करते हो तो वो फाइल एक्सप्लोरर होते हैं। जब फाइल आप ओपन करते हो तो बच्चे आप जाते हो कि आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाके फाइल किसी भी पर्टिकुलर फाइल को एक्सप्लोर कर सको, आपको डेस्कटॉप पे मिलेगी। आप उसको स्टार्ट स्क्रीन टाइल से ही एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसको कैसे करोगे, ऐड कैसे करोगे आप स्टार्ट स्क्रीन पे किसी भी फाइल एक्सप्लोरर को, तब कैसे किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को एक्सप्लोर करने के लिए स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो। स्वाइप अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर टच स्क्रीन और राइट क्लिक टुवार्ड्स द बॉटम ऑफ द स्क्रीन टू डिस्प्ले द ऐप बार। आप उसके बॉटम में टच की जो टच स्क्रीन अगर आप नोड यूज़ कर रहे हो तो आप उसको टच करके इसको स्वाइप करोगे राइट क्लिक की तरफ। अदरवाइज आप उसके राइट क्लिक में ऐप बार पे क्लिक करोगे, वहाँ पे ऑल ऐप्स पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल टू द फार राइट ऑफ द एंड ऐप द लिस्ट एंड स्वाइप डाउन और राइट क्लिक द फाइल एक्सप्लोरर आइकन। आप फाइल एक्सप्लोरर आइकन पे क्लिक करोगे या टैप करोगे इन द ऐप बार, टैप और क्लिक पिन टू स्टार्ट। आपको जिस फाइल को एक्सप्लोर करना है या जिस फोल्डर को या जिस भी चीज़ को आपको एक्सप्लोर करना है उसके ऊपर क्लिक करोगे उसको स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद वो आपके टाइल पे आपको स्टार्ट स्क्रीन पे आपको दिखेगा। बच्चे जैसे आप लोग शॉर्टकट क्रिएट करते हो ना पर्टिकुलर किसी फाइल को, जैसे कि आप अपने मोबाइल में भी करते हो, किसी गेम को आप फोल्डर के अंदर या किसी गेम को आप मेन स्क्रीन के ऊपर रखते हो, आप उसको टच करके उसको मूव करो। जैसे कि पिक्चर को मैंने टच किया फोन पर, उसको मैं मूव करवा रही हूँ। ये चीज़ होती है एक्सप्लोर करना जब आप किसी पर्टिकुलर किसी ऐप को मेन स्क्रीन पर ला के रखना चाहते हो, ये चीज़ में होती है। स्टार्टिंग फाइल एक्सप्लोर, कैसे फाइल एक्सप्लोर स्टार्ट करते हैं। ईजीएस्ट वेज टू लॉन्च फाइल एक्सप्लोर टू क्लिक और टैप फोल्डर आइकन इन द क्विक लॉन्च बार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार ऑन द विंडो 8 डेस्कटॉप। विंडो 8 डेस्कटॉप के जो क्विक लॉन्च बार होता है जहाँ पर सारी ऐप्स पड़ी होती हैं, वहाँ पर आप उसके ऊपर क्लिक करके किसी भी फाइल एक्सप्लोर को ओपन कर सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर ओपन इन द विंडो ऑन योर स्क्रीन द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट फाइल एक्सप्लोर द रिबन इज हिडन डिस्प्ले, क्लिकिंग एक्सपैंड द रिबन अपर राइट कॉर्नर ऑफ द फाइल एक्सप्लोर। बच्चे आपको अगर जो भी आपने फाइल ओपन करी है, मान लो एमएस वर्ड का कोई एक्सप्लोर करा आपने फोल्डर या वर्ड का पावर पॉइंट का, तो पहले उसका रिबन हिडन होता है, आप उसको फिर अनहाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है बच्चे नेक्स्ट पेज पे है आपकी एक्सप्लोरिंग द एक्सप्लोरर स्क्रीन। आपको एक्सप्लोर करना मतलब ऊपर करना एक्सप्लोरिंग स्क्रीन के ऊपर क्या है, आपके सामने एक स्क्रीन शो, इसके ऊपर एक्सप्लोरर आपने जिस फोल्डर को ओपन किया उसको देखो उसके अंदर क्या क्या है। जब आप एक फाइल को ओपन करते हो या किसी पर्टिकुलर बुक्स को या वर्ड एम एस वर्ड अपने जो भी एप्लीकेशन ऑन करिए, तो स्क्रीन के ऊपर जो भी शो हो रही है विंडो उसके ऊपर क्या क्या फीचर्स दिए होते हैं, वो कौन से हैं, उसके बारे में रीड करेंगे। ऑल्सो द रिबन एड समथिंग एस्थेटिक एंड फंक्शनल वैल्यू टू फाइल एक्सप्लोरर मस्ट हैव वर्ड द प्रोमो फॉर अस अवेलेबल इन विंडो 7 एज वेल। बच्चे आपने इसके रिलेटेड विंडो 7 में भी वर्क किया हो, आपने एम एस वर्ड में सभी ने वर्क किया हुआ है। जब आप एम एस वर्ड ओपन करते हो या माई कंप्यूटर पर जाके क्लिक करते हो तब के पास शो रहा होता है साइड में लाइब्रेरीज डॉक्यूमेंट्स लोकल डिस्क सी डी, फर्दर आप लाइब्रेरीज में क्लिक करते हो तो उसका क्या क्या वर्क है। जो आपके सामने विंडो ऑप्शन होती है उसके ऊपर जो बने होते हैं आइकन्स उनका क्या मीनिंग है अपने रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम रीड कर रहे हैं लोकेशन बार के बारे में। लोकेशन बार, द लोकेशन बार शोज द लाइब्रेरी फोल्डर इन एनी सब फोल्डर टू दैट कंटेन द करंटली सिलेक्टेड फाइल। हमने जिस फाइल को करंटली सिलेक्ट कर रखा है, मान लो कि अपने माई कंप्यूटर में लोकल डिस्क सी को कर रखा है सिलेक्ट, तो वो क्या शो करेगा लोकल डिस्क सी। यहाँ पे लोकेशन के अंदर क्या शो करेगा लोकल डिस्क सी। यहाँ पे ऑप्शन में अपने क्या सेलेक्ट कर रखा है लाइब्रेरीज, तो अपने को क्या शो करेगा लाइब्रेरी, मतलब आपकी लोकेशन क्या है वो आपकी लोकेशन शो करेगा करंट। नेक्स्ट है रिफ्रेश बटन, इसमें द रिफ्रेश बटन अपडेटेड डिस्प्ले टू शो द फाइल्स इन द करंट फोल्डर। जब आप रिफ्रेश करते हो तो जो भी आपकी आइटम्स हैं वो सब रिफ्रेश होकर आपको स्क्रीन के ऊपर शो होती हैं। रिफ्रेश से क्या होता है जो जितनी भी फाइल्स हैं उनको सारी एक जगह पर जो प्रॉपर सेटअप करके आपके सामने आती हैं जो भी उसका होता है सिस्टम, उस करंट फोल्डर के अंदर जो आप काम कर रहे हो वो आपको शो करती हैं वो। नेक्स्ट है सर्च बॉक्स। बच्चे सर्च बॉक्स आपको कोई फाइल या फोल्डर ओपन करना है, एग्जांपल आपका नाम का कोई फोल्डर बना हुआ है, मान लो आपका नाम रियान है, आपके नाम का फोल्डर कोई बना हुआ है किसी भी ड्राइव में पड़ा है, आप उसको सर्च बॉक्स में जाके क्या कर सकते हो सर्च कर सकते हो सर्च बॉक्स में जाके। नेक्स्ट है प्रीव्यू पेन, द प्रीव्यू पेन डिस्प्ले ए प्रीव्यू ऑफ द कंटेंट ऑफ द फाइल। प्रीव्यू पेन में जाके आप जो फाइल का कंटेंट देखना चाहते हो उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट है नेविगेशन पेन, द नेविगेशन पेन डिस्प्ले योर फेवरेट्स लाइब्रेरीज फोटोज एंड फाइल्स
जब आप नेविगेशन पेन में होते वहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, मतलब फेवरेट्स आपकी लाइब्रेरीज फोल्डर्स एंड फाइल आपके जो कंप्यूटर में है वो आपको कहाँ पे शो होते हैं, नेविगेशन पेन में जाके। नेक्स्ट है मिनिमाइज द रिबन। मिनिमाइज बच्चे रिबन को मिनिमाइज़ करके आपको रिबन जो आपका बॉटम वाला रिबन होता है उस पर लेके आना, किसी चीज़ को मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना। क्लोज अपने बहुत बार रीड किया, मिनिमाइज़ क्या होता है जो आपने पेज ओपन कर रहा है उसको उसका साइज स्मॉल करके बिल्कुल बॉटम में लेके आना। नेक्स्ट गेट हेल्प, क्लिक गेट हेल्प टू डिस्प्ले पॉप अप विंडो ऑफ हेल्प इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट टास्क यू परफॉर्मिंग अ फाइल फाइल एक्सप्लोरर। आपने जो सॉफ्टवेयर खोल रखा है उसके रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप उसको क्या कर सकते हो, गेट हेल्प से फाइंड उस हेल्प आप ले सकते हो। नेक्स्ट है आप पर्सनलाइजिंग योर लॉक स्क्रीन। बच्चे अपनी लॉक स्क्रीन को खुद डिज़ाइन करना, मतलब एक तो मेट्रो स्टाइल में आपकी जो स्क्रीन उसमें टाइल्स कैसे बनी हो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग उसका लेआउट चेंज करना, वॉलपेपर कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, टाइल्स का लुक कैसा होना चाहिए, आप उसको कैसे डिज़ाइन सॉरी खुद से करना चाहते हो वो होती है पर्सनलाइज योर लॉक स्क्रीन। द फर्स्ट स्क्रीन यू व्हेन यू लॉग इन टू कंप्यूटर इज लॉक स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन जिसको आप डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं, जब आप स्क्रीन को ऑन करते हो स्टार्ट स्क्रीन सॉरी बोलते हैं, जब आप अपने सिस्टम को ऑन करोगे जब आपके सामने स्क्रीन होगी स्टार्ट स्क्रीन उसको बोलते हैं लॉक स्क्रीन। विच डिस्प्ले एंड इमेज लॉन्ग विद सिस्टम इन्फॉर्मेशन प्रैप्स ए फ्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम योर ईमेल मैसेजिंग एंड कैलेंडर ऐप्स। जब वो आपके सामने ओपन होते हैं उसके साथ कुछ ईमेल के आइकन बना होता है, कोई कैलेंडर आइकन बना होता है, आप देख सकते हो। यू कैन आल्सो कस्टमाइज द लुक ऑफ विंडो 8 लॉक स्क्रीन बाय चेंजिंग द पिक्चर दैट इज डिस्प्लेड चूजिंग योर ओन फेवरेट बजट्स। बच्चे आप क्या कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग उस स्क्रीन को डिज़ाइन कर सकते हो, उसके आपको कौन से आइकन चाहिए अपने आइकन को रख सकते हो, आप उसको कैसे चूज करोगे। ऑन द विंडो 8 स्टार्ट स्क्रीन स्वाइप फ्रॉम द राइट टू मूव द मूव राइट कॉर्नर स्क्रीन टू डिस्प्ले द चार्म बार। बेटा राइट कॉर्नर में जाके आपको क्या है चार्म बार पे क्लिक करना है, आपको राइट स्वाइप करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, सेटिंग आइकन पे क्लिक करोगे, फिर पीसी सेटिंग पे क्लिक करोगे, आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी, आपको जो भी फोल्डर्स उसमें से जो भी आपको स्क्रीन सेलेक्ट करनी है, आपको जिस पिक्चर को सिलेक्ट करना है उस थंबनेल को आप क्लिक करोगे या टैप करोगे, जो भी आपको चूज़ करना है उस पर्टिकुलर इमेज को आप चूज़ करोगे। इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ वन ऑफ योर ऑन इमेज फॉर योर लॉक स्क्रीन टैप और क्लिक ब्राउज। अगर आप अपनी खुद की कोई इमेज मतलब आपकी पर्सनल खुद की कोई इमेज अपनी फोटो अपनी फैमिली की पिक्चर चाहते हो कि आपकी स्क्रीन पे आए आप वो भी कर सकते हो, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू वॉन्ट टू ऑन लॉक स्क्रीन टैप और क्लिक ब्राउज आपको ब्राउज पे क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पे आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे वहाँ पे आपके सामने वो फोल्डर्स होंगे, आप उन फोल्डर और फाइल्स जाके अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, जो भी आप पिक्चर यूज़ करोगे आप उसको पेस्ट कर सकते हो, उस पिक्चर को आप अपनी सेटिंग्स में जाके लगा सकते हो, पर्सनल सेटिंग में उसको आप ऐड कर सकते हो, उसको प्रीव्यू देख सकते हो वह कैसा लगेगा। सेविंग योर चेंजेस, सेव करने हैं कुछ चेंजेस में। विंडो 8 इज़ डिज़ाइन टू हैव सेव इंक्रीमेंटली एज यू वर्क सो देयर इज नो सेव चेंज बटन इन द पर्सनल सेटिंग। पर्सनल सेटिंग में कोई भी बेटा सेव चेंज का ऐसा कोई बटन नहीं होता जिसे आप डोंट सेव से सेव का। विंडो डिज़ाइन टू सेव इंक्रीमेंटली एज यूर वर्क, जैसे तुम काम करते हो ऑटोमेटिकली वो सेव करता जाएगा। उसके बाद है स्टार्टिंग ओवर, इफ़ यू डिसाइड यू डोंट लाइक द लॉक स्क्रीन इमेज यू हैव एडिट यू कैन गो बैक। अगर आपको चेंज करनी है आपने जो पहले स्क्रीन ऐड करी तो आप उसको बैक जाकर दोबारा उसकी जगह पे उसको होल्ड करके उस बटन को डिलीट कर सकते हो। मान लो जैसे आप अपने फ़ोन में भी करते हो बच्चे, आपने कोई पिक्चर लगाई है वॉलपेपर लगाया है, अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप लगा सकते हो, अगर आपको नहीं लगता तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। इसमें आप उसको पर्टिकुलर पिक्चर को टैप करके भी डिलीट कर सकते हो और राइट क्लिक करके भी आप उसको डिलीट कर सकते हो। एडिंग बजट्स, बेटा बजट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन के ऊपर अलार्म लगा होता है, क्लॉक लगा होता है, जो भी आपको लगाना है, आपकी बैटरी सेवर का दिखता है भी आपके फ़ोन कितनी बैटरी है या टाइम क्या हुआ है, ऐसे होते हैं बच्चा जो गैजेट्स बोलते हैं। वैसे आप अपने विंडो में भी बच्चे अपनी कंप्यूटर विंडो 8 की स्क्रीन पर भी लगा सकते हो, मतलब अगर आप सीधा कंप्यूटर को ऑन करो आपने ओपन करा हो कि मुझे टाइमिंग दिखती रहे, मुझे आवर्स दिखते रहे, या मुझे कैलेंडर दिखता रहे, मुझे वेदर दिखता रहे, या ईमेल या जो भी मेरा व्हाट्सअप अगर लैपटॉप में चला तो वो शो होता रहे, तो सारा कुछ आप इसमें बजट्स बना सकते हो। कैसे करते हैं, आप पीसी की सेटिंग में जाओगे, आप लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे आपको जिस ऐप को ऐड करना है उसमें प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस सिंबल पे क्लिक करके आपको जिस ऐप को ऐड करना है उसको कर सकते हो। चेंजिंग द लुक ऑफ स्टार्ट स्क्रीन, स्टार्ट स्क्रीन का आपको लुक चेंज करना है सेम क्लिक ऑन द पर्सनलाइज। बच्चे अगर आपके पास विंडो 7 सिस्टम आपके घर पे हो तो आप उसमें सेम ट्राई करके देख सकते हो, उसमें कंट्रोल पैनल में जाके चेंज कर सकते हो, चेंज अपीयरेंस पर्सनलाइजेशन उसका लेआउट। इसमें भी सेम है आपको, यहाँ पे आपको चार्म बार में जाके क्लिक करना होता है राइट में आपके, या स्वाइप करके आपको राइट जाना, तो आप चार्म टैप करते हो स्टार्ट स्क्रीन को, फिर उसके बाद ऑप्शन आते हैं आपको कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, उसके इफेक्ट्स जो सेलेक्ट करते हो वो सेलेक्ट करके आप उसमें ऐड कर सकते हो उस पिक्चर को। मीन्स एज वेल एज जस्ट लाइक एज अ सेम विंडो 7, उसमें भी कंट्रोल पैनल में जाके आप अपने पेज के अपीयरेंस चेंज कर सकते हो, विंडो 8 में भी आप कर सकते हो। बस इसमें आपको चार बार में जाके सेटिंग्स में जाके जो भी आपको ऑप्शन सेटिंग में चेंज करनी वो आप करोगे। तो बच्चे अपने इस चैप्टर में रीड किया है विंडो 8 के बारे में। विंडो 8 क्या है बच्चे, टच सेंसिटिव मतलब टच स्क्रीन के सेंस से बनाई गई, जो नोट फोन में यूज़ होती है नोट में,
इसमें क्या होता है कि आपके सामने स्क्रीन शो होती है जिसमें टाइल्स बनी होती हैं, ऐप टाइल्स बनी होती हैं। आप उस टाइल्स को सिलेक्ट करके डायरेक्ट उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, जस्ट लाइक योर फोन। जैसे आप अपने फ़ोन पे जिस भी गैलरी को क्लिक करते हो तो गैलरी ओपन होती है, व्हाट्सअप क्लिक करते हो तो व्हाट्सअप ओपन होता है, कोई पर्टिकुलर गेम क्लिक करते हो तो गेम। इसमें भी ऐसे होता है, विंडोज 7 में आपको माउस से मूव करके सिलेक्ट करना पड़ता था, कर्सर से आप क्लिक करते थे उसको माउस की हेल्प से। यहाँ पे आप कर सकते हो डायरेक्ट टच करके उसको क्लिक कर सकते हो। ये आपका चैप्टर, इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी फ्रीली बच्चे। अब आपको इसका बुक वर्क फाइंड करना है, दैट बुक है वर्क यू हैव टू बी सेंड माई पर्सनल नंबर। नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू द कंप्लीट आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर्स। प्लीज़ सेंड योर वर्क नोटबुक फॉर माई पर्सनल नंबर। जितना आपका अब तक का वर्क डन हो चुका है, दैट वर्क यू हैव टू बी डन टिल टाइम, प्लीज़ सेंड ऑन माई नंबर। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।